नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी दोनों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो बेसिल यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के थ्रू आई है। बेसिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसने वैकेंसी निकाली है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी के लिए। क्या कुछ रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों ये वैकेंसी नंबर 451 है, जहां पर फार्मासिस्ट के वैकेंसी के मेनली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। सीरियल नंबर 4 पर जूनियर फार्मासिस्ट के दो पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा एंड बैचलर इन फार्मेसी डिग्री बी फार्मा डिग्री दोनों के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हैं। बात कर लेंगे कि एक्सपीरियंस क्या कुछ रहने वाला है, तो यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के केस में, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा के केस में। आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी मेडिकल स्टोर, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन तीनों का एक्सपीरियंस आपके साथ चल सकता है। तो इसलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी के पास एक अच्छा मौका है बेसिल के थ्रू सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी में जॉब करने का। सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी जो है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये सैलरी यहाँ आपका रहने वाला है। जूनियर फार्मासिस्ट के दो पोस्ट हैं, एक पोस्ट है आपका CMS वेयरहाउस एट कोलकाता एंड दूसरा पोस्ट है CMS वेयरहाउस एट रायपुर। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, इसलिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि आपको किसी भी, अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 50 साल यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी हम देखेंगे, ये भी फार्मासिस्ट का ही है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आप देखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर 2 पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट DEOS क्वालिटी एश्योरेंस का यहाँ पर दो पोस्ट है। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ आप देख सकते हैं बी फार्मा फ्रॉम PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट यानी बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आया है। यहाँ पर डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 50 साल यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। सैलरी यहाँ भी 30,000 रुपये रखा गया है। बी फार्मा के कैंडिडेट के लिए यह पोस्ट है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है किसी भी केमिस्ट शॉप पे, किसी भी फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में या फिर किसी भी क्वालिटी चेक विंग ऑफ एनी फार्मा MNC में। ये आपका एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है, जो कि सभी के पास लगभग लगभग होता है। तो यहाँ हमने फार्मासिस्ट के 4 पोस्ट की बात की। पहला 2 पोस्ट है जूनियर फार्मासिस्ट का, जिसमें बैचलर इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों एलिजिबल हैं। दूसरा पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे फिल करें। तो ये बेसिल का एप्लीकेशन है, इसलिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 14 मई 2024 आपका रहने वाला है। 14 मई 2024 से पहले आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जरूर फिल करें। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ये सब आपको फिल करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या कुछ रहने वाला है। तो बेसिल में हमेशा एप्लीकेशन फीस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई होती है। जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 885 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो साथ में तो 590 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। OBC के लिए 885 रुपये, SC ST के लिए 531 रुपये, अगर आप एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 354 रुपये पे करना होगा। वुमेन कैंडिडेट के लिए 885 रुपये और एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए 590 रुपये अप्लाई करने का फीस रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो आपको बेसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप बेसिल के ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ वैकेंसी में आपको चेक करना है
एडवर्टाइजमेंट नंबर 451, जिसमें आप देखोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब रहने वाला है इन सीएमएस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड सीएमएस वेयरहाउस। लास्ट डेट जो है वो 14 मई 2024 को है। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 451 सेलेक्ट करना है। आपको अगर एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना है तो आप एक क्लिक करें, दो पोस्ट के लिए तो दो क्लिक करें। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आपको जूनियर फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पोस्ट अप्लाइड वन करें। अगर डीईओ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए करना है तो ये भी अपना फिल करें। देन आपको अपना नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब करंट एड्रेस, ये सब कुछ करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है, बेसिल के थ्रू सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी और एक ऐसे संस्थान में जाने का जहां पर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहां पर टोटल 4 पोस्ट है फार्मासिस्ट के, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर एक बार फिल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।